खबर बेमेतरा से, जहां जिले के बेरला डीसीबी बैंक में किसान के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित किसान दिनेश साहू ने एसडीओपी बेरला के पास शिकायत की है। आपको बता दें कि पीड़ित किसान ने बेरला डीसीबी बैंक में केसीसी लोन लिया था। वही तत्कालीन बैंक मैनेजर ने किसान से कोरे चेक पर हस्ताक्षर करके रख लिया था। जब किसान ने बैंक में अपना खाता चेक करवाया तो करीब 1,50,000 निकल चुके थे। तब किसान को जानकारी हुई कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, जिसके बाद किसान ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद किसान ने बेरला एसडीओपी तेज राम पटेल के पास शिकायत की। वहीं एसडीओपी ने किसान को आश्वासन दिया है कि पूरी जांच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए इस दौरान एसडीओपी तेजराम पटेल ने क्या कुछ कहा। दिनेश कुमार साहू प्रार्थी हैं, जो डीसीबी बैंक में अपना चेक जमा करना बता रहे हैं और 1,40,000 उनके खाते से विड्रॉल होना बता रहे हैं, जो 2018 का मामला है, और उनके खाते से एक नटवर लाल पटेल के खाते में गया है, जिसमें बैंक स्टेटमेंट उनके शिकायत पत्र में ही शामिल है। तो अपन नटवर लाल पटेल से बुला करके पूछताछ करेंगे कि उनके खाते में 1,40,000 किस माध्यम से और कैसे आया, किस लेन देन के तहत आया, और जिससे फिर मामले में और जांच आगे बढ़ाएंगे। फिर बेमेतरा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।